हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुर्ती में जिप लगाना बताऊंगी, किस तरीके से हम कुर्ती में जिप लगाते हैं। ये मेरे कुछ सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि मैं उन्हें कुर्ती में जिप लगाना बताऊं, तो मैं आज आपको कुर्ती में जिप लगाना बताऊंगी किस तरीके से हम कुर्ती में जिप लगाते हैं। जिप लगाने के लिए सबसे पहले मैंने कुर्ती की कटिंग की हुई है। जो आपको मेरे डिजाइन दिख रहे हैं, ये नेट है और नीचे ये गोल्डन कलर का कपड़ा है। ये डिजाइन मैंने खुद से ही बनाया है। ये देखिए, ये नीचे मैंने नेट लगाया है और ऊपर गोल्डन कलर का कपड़ा लगाया। इस तरीके से मैंने इस कुर्ती को डिजाइन दिया है और उसके बाद मैंने ऊपर भी इसमें नेट लगाया और एक पट्टी फिर गोल्डन कलर की ली है। और जो मैं इस गले के ऊपर पाइपिंग लगाऊंगी वो मैं गोल्डन कलर की लगाऊंगी। मतलब मैं इस सूट को जब बना के तैयार कर दूंगी तो इसे हम इसी कपड़े से डेकोरेट करेंगे। फिर भी मैं आपको इस कपड़े को लगाना नीचे बताऊंगी। नीचे भी हम इस कलर की पट्टी लगाएंगे जिससे इसमें और अच्छा लुक आएगा। ये देखिए, इस तरीके से मेरा नीचे वाला डिजाइन होगा। अभी सिर्फ मैंने ऊपर ही लगाई है, एक पट्टी हमें नीचे भी लगानी है। तो ये चीज मैं आपको सिलते टाइम बताऊंगी। सबसे पहले हम, ये मेरा बैक वाला हिस्सा है, मैंने दोनों पीस में, जो हमारे दो पीस हैं उनमें मैंने सेम सेम ऐसा ही दोनों तरफ को लगाया है डिजाइन। अब मैं आपको बैक वाले पीस में, जैसे यहाँ पे हम अपनी चैन लगाएंगे, जिप लगाएंगे, तो उसके लिए हम 1 इंच का गला कट करते हैं। यहां से मैं करीबन 2.5 इंच लेके इसकी चौड़ाई, यहां से 2.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। ये हो गया मेरा 2.5 इंच। और उसके बाद इसे मैं 1 इंच पे इसे कर दूंगी हल्का सा यहां से, और ऐसे हल्का सा कर दूंगी 1 इंच पे। ये देखिए, ऐसे जो हम जिप वगैरह लगाते हैं, कॉलर लगाते हैं, तो सिर्फ 1 इंच का पीछे गला कट करते हैं हम। ऐसे अब मैं इसे कट कर दूंगी ऐसे कर्व के हिसाब से ही। ये देखिए, ये मेरा 1 इंच का पीछे वाला गला कट के तैयार हो गया। और उसके बाद जहां तक मेरी जिप आएगी वहां तक मैं 20 सेंटर में निशान लगा दूंगी, मार्किंग कर दूंगी। जैसे यहां से जितनी, ये मेरे पास जिप है ब्लैक कलर की, और उसके बाद आप जितनी बड़ी से रखना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसमें 20 सेंटर में निशान लगा दूंगी ताकि हमारी जिप सीधी आए ऐसे। आप जितनी बड़ा बड़ी लगाना चाहती हैं आप इतनी बड़ी लगा सकती हैं। ये मैं आपको सिलाई करते टाइम बताऊंगी। और उसके बाद ये मेरा फ्रंट पीस है, तो इस फ्रंट पीस पे मैं छोटा ही गला कट करूंगी। जैसे ऐसे दोनों पीसों को बराबर करके, और उसके बाद मैं यहाँ से भी 2.5 इंच लूंगी, यहाँ से इतना। और जो इसकी लेंथ लूंगी वो लूंगी मैं 3 इंच, क्योंकि हम जिसमें जिप लगाएंगे तो ये गला मैं छोटा ही लूंगी। और इसमें मैं इस कलर की पाइपिंग लगाऊंगी, तो मैं इसे डिजाइनर गला बनाऊंगी। मतलब जैसे रेडीमेड गले होते हैं उस तरीके का मैं इसे बनाऊंगी। आगे को जो पलट के लगाते हैं पाइपिंग, उस तरीके में इसमें पाइपिंग लगाऊंगी 3 इंच। और इस निशान को मैं ऐसे सीधा करके, और इसे जैसे हम गोल गला कट करते हैं ऐसे ही इसे कर दूंगी हल्का सा ऐसे। अब इसे भी मैं कट कर दूंगी यहां से। ये देखिए, ये मेरा फ्रंट पीस हो गया। और उसके बाद जो मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी वो मैं इसमें इस कपड़े की पाइपिंग लगाऊंगी। इसी कपड़े से मैंने इसमें डिजाइन बनाया हुआ है, तो दोनों पीसों में इसी कलर की पाइपिंग लगाऊंगी मैं। तो मैं तिरछी पाइपिंग कट करूंगी करीबन 2 इंच की, क्योंकि हम इसे पलट के लगाएंगे तो 2 इंच की पाइपिंग हम कट कर लेंगे ऐसे। अब इसी शेप में हम इसे सीधा कट करेंगे 2-2 इंच के हिसाब से ही। ये हम फ्रंट पीस के लिए बड़ी पाइपिंग ले रहे हैं, जो लेकिन हमारे जो बैक वाले पीस हैं उनके लिए आप छोटी छोटी पट्टियां लें, क्योंकि उनकी अलग अलग लगेंगी। ये हम आपको लगाते टाइम बताएंगे। इस तरीके से ये हमारी तिरछी पाइपिंग कट हो गई। अब आपको हम इसे सिल के बताएंगे और जिप लगा के बताएंगे।
अब ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पीस है, तो मैं आपको फ्रंट पीस पे पहले पाइपिंग लगाना बताऊंगी किस तरीके से हम पलट के पाइपिंग लगाते हैं, ऐसे कपड़े को उल्टा करके, और तब पाइपिंग को ऐसे सीधा करके सिलना होता है, ऐसे बराबर कपड़ा करके पाइपिंग उल्टी रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसे पलट के बनाएंगे तो ये हमारी सीधी इस तरफ को आएगी। तो ऐसे इस पे हम ये नेट वाला कपड़ा भी और ये हमारा जो ब्लैक वाला है ये बराबर होना चाहिए। ऐसे कर्व के हिसाब से ही सिलना है इसे। आप कोई भी किसी भी कपड़े में ऐसे ही गला कट के, छोटा गला कट करके और ऐसी पाइपिंग लगा सकते हैं, इसे हम पलट के पाइपिंग बोलते हैं, जो पलट के पाइपिंग लगती है। अब ये एक्स्ट्रा पाइपिंग हम कट कर देंगे ऐसे। अब ये देखिए, ये हमारा आगे की तरफ को आ गया ऐसे। अब हम इसे आगे की तरफ को थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे इसमें ऐसे, और इतना हम इसे दिखाना है, हमको इतनी पाइपिंग दिखानी है। तो हम इस पे ऐसे सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे के ऊपर, क्योंकि हमारा ये ब्लैक धागा है। ऐसे ऐसे सिलाई लगानी है हमें। ऐसे करके बराबर कपड़ा बराबर होना चाहिए। आप इसे गोल गले में भी लगा सकती हैं, जैसे गोल गला कट करके और उसके बाद ऐसी चौड़ी पाइपिंग कट करके 2 इंच की, और फिर उसे बाहर की तरफ पलट के तब लगाएं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए ऐसे, और ये जो हमारा ब्लैक वाला कपड़ा दिख रहा है, ये दिखना नहीं चाहिए, ये सारा अंदर होना चाहिए। और ऐसे अब जो हमारा ये ऊपर शोल्डर के ऊपर कपड़ा आया हुआ है, ये एक्स्ट्रा इसे कट कर देंगे इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अब ये मेरा बैक वाला पीस है, तो इसमें भी मैं सेम ऐसे ही पलट के लगाऊंगी पाइपिंग को, पहले लगा के फिर हम इस कपड़े को कट करके तब हम इसमें चैन अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, उल्टा कपड़ा रख के, और तब लगाना इसे चालू करेंगे हम ऐसे। जहां तक हमारी गले की चौड़ाई है वहां तक लगानी है हमें पाइपिंग। यहां से और यहां तक और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे, और उसके बाद से बाहर की तरफ को हम पलट देंगे ऐसे और ऐसे, और इसके किनारे के ऊपर बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। जब हम इसमें जिप लगाएंगे तब हम इस कपड़े को बीच में से कट कर लेंगे, तो इसके दोनों हिस्से अलग अलग हो जाएंगे। आप बाद में भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने आपको इसी तरीका बताया है, पहले पाइप में लगा लें उसके बाद आप गले को कट करें, जहाँ पे हम जिप लगाएंगे उस हिस्से को कट करें, ठीक है। उसके बाद ये मेरा बैक वाला पीस हो गया।
और यहाँ से मुझे जिप लगानी है, तो जिप के लिए मुझे यहाँ से कपड़ा सिलना होगा। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे इसे डार्क कर लूँगी चौक से, जहाँ जहाँ तक मेरा निशान देखिए मुझे दिख रहा है यहाँ से। फिर भी आप ऐसे भी इसे अच्छे से कर सकती हैं, ऐसे भी सेंटर इसका ये भी है, फिर से इसे डार्क कर सकती हैं चौक से ऐसे। अब ये हमारा चौक से डार्क हो गया। चेन मैंने आपको बता दी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने हिस्से में चेन लगाना चाहती हैं। मैं करीबन इतने हिस्से में चेन लगाऊंगी। अब उसके बाद आप एक कोई प्लेन कपड़ा लें, ऐसे सीधा कपड़ा, और उसे ऐसे सीधा सिल दें, बीच में से इतना कपड़ा कट करके और सीधी सिलाई लगाएं बीच में, यहाँ से कपड़े को रख के और बीच में निशान वो सिलाई लगाएं जहां जहां तक मेरा ये निशान है, यहां से यहां तक। ऐसे जहां तक मेरा चौथा निशान है उसे अच्छे से देख लो पहले, ताकि चैन टेढ़ी ना लग जाए। ऐसे आप कोई भी कपड़ा डिजाइन कर सकती हैं, जैसे मैंने ये कपड़ा डिजाइन किया है। से और मैं इतना इतना कपड़ा मैं छोड़ दूँ, करीबन 1 इंच के बराबर इस पे सिलाई लगानी, और ये धागा कट कर दूंगी यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा हटा के सिलाई से तब इस कपड़े को कट करना है, यहाँ से इतना थोड़ा थोड़ा हटा के तब कपड़े को कट करना है। यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा एक हिस्सा वो ये हो गया। अब इस दूसरे वाले हिस्से पे भी हम सेम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे जैसे हमें हमारी इस तरफ को सिलाई आई है। अभी देखिए ये हमारे दोनों हिस्से कट के तैयार हो गए। देखिए इस पे भी सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है सीधी। जितना कपड़ा मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया था उतना ही कपड़ा हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई लगा के, और यहाँ से सीधी सिलाई लगाएंगे ऐसे, जहाँ तक मैंने कॉर्नर कट किया था यहाँ से ऐसे, और सिलाई को हम इस सिलाई के ऊपर ले आएंगे ऐसे वी वी शेप में बना के, ऐसे ऐसे वी बना के तब सिलाई को उधर ले आएंगे, और इसे भी अच्छे से मजबूत कर देंगे एक बार सिलाई लगा के। अब उसके बाद जो हमारे ये कॉर्नर है, देखिए कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, इनमें हम हल्का सा कट लगा देंगे एक इस तरफ को, हल्का सा बिल्कुल जो कपड़ा ना कटे एक इस तरफ को ऐसे, और फिर इसे हम अंदर की तरफ को फोल्ड कर देंगे ऐसे। ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, यहाँ से ये कपड़ा अच्छे से अंदर कर लें ऐसे।
और यहाँ से भी ये कपड़ा अंदर कर लें अच्छे से और सीधी सिलाई लगाएं। सिलाई बराबर होनी चाहिए। और उसे भी ऐसे लेंगे, बराबर होनी चाहिए सिलाई। अब उसके बाद जो हमारा ये कपड़ा है इसे आप जितना रखना चाहती हैं उतना रख लें, बाकी का अंदर की तरफ फोल्ड कर दें ऐसे। यहाँ से भी करीबन इतना ही कपड़ा लें जितना हमने इधर से लिया है ऐसे, और फिर इतने में ही सिलाई लगाएं जितने में हमने यहाँ से इतना कपड़ा लिया है सिलाई के लिए, तो इतने में ही इधर से लगानी है देखिए ऐसे, और फिर ऐसे अंदर का कपड़े को ऐसे ही सिलाई लगानी है। फिर ये हम जिप के लिए तैयार कर रहे हैं, इसी हिसाब से जिप लगती है। ये मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रही हूँ, वरना पहले पट्टी कट करनी होती है तब इसमें अटैच करनी होती है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप पहले बीच सेंटर में निशान लगा के और ये सीधा कपड़ा रख के तब कपड़े को कट कर दें, और जितना कपड़ा हम थोड़ा सा कट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कपड़ा चला जाता है तो उसे दूसरी सिलाई में एक्स्ट्रा ले दें। इस तरीके से सबसे इजी तरीका है जिप लगाने का। अब ये देखिए मेरा बैक वाला पीस बन के तैयार हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया था एक सीधी पट्टी रखे और मैंने इस तरीके से ये जिप लगाने के लिए इसे तैयार कर लिया है। अब मैं आपको जिप लगाना बताऊंगी। जिप लगाने के लिए हम जिप को पहले खोल लें और उसके बाद इसे ऐसे कपड़े के ऊपर सीधा कपड़ा लें, सीधा कपड़ा रख के और तब ऐसे लगानी है, ये ऊपर से मजबूत करते लाइन से यहाँ से करीबन जितनी आपको जिप जितना आप बड़ी लगाना चाहती हैं उतनी लगा सकती हैं, और बाकी की जिप अंदर की तरफ छोड़ दें और सिलाई लगाने के बाद उसे कट कर दें। ये देखिए ऐसे बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है, यहाँ से ऐसे ऐसे जिप को खोल के ही लगाना है, यहाँ से भी ऐसे। जहाँ तक मैंने अपना कपड़े की लंबाई ली है वहां से वहां तक ला के जिप को उसके बाद इसे ऊपर की तरफ निकाल दें ऐसे। देखिए अब मैंने सिलने के बाद इसे ऊपर की तरफ खींच दिया है क्योंकि हमें प्रॉब्लम दे रही है सिलाई करते टाइम, तो ऐसे अब इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाएं यहाँ से और यहाँ तक, फिर ऐसे देखिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ से और फिर ऐसे और फिर ऐसे मशीन को उठा के तब चलना है ऐसे। अब फिर से इस पर सीधी सिलाई लगानी है। अब इधर से जिप को बंद करके लगाना है कि इधर से खुला करके और इधर से बंद करके। अब तो हमें ऐसे सीधी सिलाई लगानी है इसके ऊपर, तो आपको आगे समझ में, एक तरफ से खुली रखनी है जिप और जब हम दूसरी साइड से लगाते हुए आए तो बंद करके लाना है जिप को, ऐसे जिप को बंद करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। देखिए ऐसे पूरी जिप लगा दें आप ऐसे, और जो हमारी जिप की साइड है जहाँ से हम जिप खोलते हैं इससे दूर होनी चाहिए सिलाई, वरना आप जिप खोलते में बहुत प्रॉब्लम होगी ऐसे।
यहाँ से भी। जो एक्स्ट्रा जिप निकल रही है उसे हम बाद में कट कर दें। अब इस जिप को हल्का सा खोल दें नीचे की तरफ को ऐसे, क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है सिलाई चलाते टाइम। ऐसे यहाँ से बराबर करके इधर से भी हम मजबूत करेंगे इसको। देखिए इस तरीके से हमारी ये जिप लग के आई है। ये मैंने जिप लगा के इसमें तैयार कर दी है। उसके बाद जो मेरी एक्स्ट्रा जिप बची थी वो मैंने कट कर दी है। अब मैं ये शोल्डर जॉइंट करूँगी यहाँ से और यहाँ तक इसमें सीधी सिलाई लगाऊंगी। ये हमारा बैक वाला हिस्सा है और हम बैक वाले हिस्से को फ्रंट वाले पीस में जॉइंट कर रहे हैं, मतलब आपको बताने का शोल्डर जॉइंट कर रहे हैं। इससे और एक सिलाई और लगाएंगे इसे मजबूत करने के लिए। और जो हमने ये गोल्डन कलर का धागा लिया है, हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा जॉइंट है जहाँ से हम जॉइंट मजबूत करते हैं वहाँ से हमारी गोल्डन कलर की पट्टी है, तो इसीलिए हमने ये धागा लिया है ताकि ये गोल्डन कलर की पट्टी पे काला धागा दिखे ना अच्छी फिनिशिंग आए। ये जो दो जॉइंट है ये देखिए, इन्हें मजबूत करने के लिए हमने ये गोल्डन कलर का धागा लिया है। ऐसे इसे हम कट कर देंगे बीच में से, ऐसे अलग कर दिया हमने। अब ये हमारा ये बैक पीस है और ये फ्रंट पीस है। देखिए ये इसकी जिप हो गई पीछे वाली। ये देखिए ये हमारी जिप लग के इसमें तैयार हो गई है। इसीलिए मैंने छोटा गला कट किया था क्योंकि हमारा जो हमारी ये जिप है आप कैसे भी इसे पहन सकती हैं और इस तरीके से ये जिप लगती है। मैंने आपको जिप लगाना बता दिया है और जो मैंने अभी आपको बताया था ये देखिए, ये हमारा आगे वाला पीस है। इस तरीके से हमारा ये डिजाइन बन के आया है आगे वाले पीस का, जैसे मैंने आपको बताया था कि पलट के पाइपिंग लगाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बताया था कि मैं नीचे जो ये पट्टी लगाऊंगी गोल्डन कलर की उसको लगाना मैं आपको बताऊंगी, तो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम लगाते हैं और किस तरीके से मैंने ये लगाई हैं। तो लगाने के लिए मैं यहाँ से कपड़ा ऐसे सिलूंगी, एक तो लूंगी मैं ये ब्लैक कलर का कपड़ा, इसके ऊपर नहीं लिया मैंने कोई कपड़ा, ही तो मैंने ऐसे ही सिल दिया था, लेकिन यहाँ नीचे हमें थोड़ा कपड़ा फोल्ड भी करना है तो इसलिए मैं दो कपड़े लूँगी ऐसे और यहाँ से सिलना स्टार्ट करूँगी इन दोनों कपड़ों को, ब्लैक को भी और गोल्डन को भी। ऐसे इसमें धागे वगैरह निकल रही हैं तो इसमें तो सब अंदर की तरफ छुप गए तो ये हमारा बाहर की तरफ को आएगा, तो इसलिए मैं सपोर्ट के लिए कपड़ा ले रही हूँ। ऐसे सिलाई बराबर चलानी है। आप चाहें तो ये डिजाइन आगे वाले पीस में ही बना सकती हैं, मैंने दोनों पीसों में बनाया है। ऐसे सीधी सिलाई लगानी है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये देखिए, अब आपको मेरी सिलाई दिख रही है। ये जो मेरा गोल्डन कलर का कपड़ा है ये सिर्फ सिंपल है, इसमें मैंने कोई डबल कपड़ा नहीं लगाया है। और जो नेट का कपड़ा है ब्लू कलर का, इसमें भी ये भी सिंपल है, इसमें भी मैंने कोई सपोर्ट के लिए कपड़ा नहीं लगाया है। नीचे मैंने इसलिए कपड़ा लगाया, अगर मैं इसे ऐसे लगाती तो
इसके लिए सपोर्ट के लिए हमें कपड़ा होना चाहिए क्योंकि इसमें धागे वगैरह निकले हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसे ब्लैक कलर के कपड़े को सपोर्ट के लिए लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगी, इतना इतना फोल्ड कर दूंगी और इस पर सीधी सिलाई लगाऊंगी। ऐसे पूरे को मैं ऐसे ही फोल्ड करूंगी बराबर बराबर, ये धागे वगैरह सब अंदर की तरफ करके ऐसे, और सीधी सिलाई लगा दूंगी मैं। ऐसी सेम मैं जो हमारा बैक वाला पीस है उसमें भी सेम हम ऐसे ही लगाएंगे। कपड़ा बराबर लेना इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो देखिए ये बराबर करके और सिल के, और उसके बाद धागे को कट करना है, और फिर से मैं आपको बताऊंगी एक सिलाई और कहाँ लगेगी हमारी। जो हमारा ये कपड़ा है इसको ऐसे अंदर की तरफ करके तब इसके ऊपर सिलाई लगानी है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तरह बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है ऐसे। ऐसे बराबर बराबर करके कपड़े को ऐसे, इससे कपड़ा जम जाएगा अच्छे से। देखिए इस तरीके से मेरा डिजाइन बन के आया है ऐसे। अब मैं सेम ऐसे ही अपने बैक वाले पीस में भी सेम मैं ऐसे ही डिजाइन बनाऊंगी। ये मैंने बड़ी पट्टी ली है, फिर इसके बाद ये मैंने छोटी पट्टी ली है, और ये ब्लू कलर का कपड़ा मैंने इतना लिया है। इस तरीके से मैंने बनाया है। अब मैं दूसरा वाला भी सेम ऐसे ही बनाऊंगी। ये देखिए बाजू पे भी मैंने ऐसे ही डिजाइन लगा के तैयार कर ली है। उसके बाद मैं इसे अपने आर्म होल में अटैच करूंगी ऐसे। ऐसे बाजू को खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर बराबर कपड़ा लेके तब चलना है ऐसे। यहां से ऐसे सीधा करके यहाँ से भी हम ऐसे ही लगाएंगे। इधर से भी ऐसे ही लगेगी। जैसे मैं ये बाजू लगा रही हूँ ऐसे सेम में दूसरी वाली भी ऐसे ही लगा के इसे तैयार कर लूंगी। यहाँ से भी इतना ही कपड़ा लेना है जितना हमने उस तरफ लिया था। से इतना ये देखिए ये मेरी एक बाजू लग के तैयार है। अब मैं दूसरी भी सेम इसी तरीके से लगाऊंगी जैसे मैंने ये लगाई है। ये देखिए ये हमारा चैन वाला सूट आपके सामने बन के तैयार है जैसे मैंने इसे डिजाइन किया है खुद से ही। देखिए मैंने इसमें नेट का कपड़ा लाया, उसके बाद मैंने बीच में छोटी पट्टी लगाई गोल्डन कलर की, और उसके बाद ये चौड़ी पट्टी। ये देखिए ये मेरा चैन वाला सूट आपके सामने बन के तैयार है जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इसे खुद से ही डिजाइन किया है। इसमें मैंने ये जो नेट लगाया है बीच में,
और उसके बाद मैंने गोल्डन कलर की पट्टी दोनों तरफ लगाई है, इस फ्रंट वाले पीस में भी और ये ब्लैक वाले पीस में भी सेम सेम ऐसी लगाई है। और उसके बाद जो मेरा ये ऊपर वाला हिस्सा है, आप चाहें तो इसे और भी ज्यादा डिजाइन कर सकती हैं, बीच में भी कोई पट्टी लगा सकती हैं, इसे आप लॉन्ग भी बना सकती हैं। और जैसे देखिए मैंने इसका ये छोटा गला कट किया है, तो ये पीछे मेरी ये मैंने जिप लगाई है, ये देखिए ये मेरी पूरे में जिप है, इसीलिए मैंने इसे छोटा बनाया था, आप इसे कैसे भी पहन सकती हैं। और उसके बाद मैंने ये बाजू पे भी डिजाइन दिया है, इस तरीके से मैंने इसे बनाया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।